मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपका एक सॉन्ग आई थिंक 5 मिलियन करीब पहुंचा है। जी थैंक यू सो मच आपको, और मेरे ऑफिशियल चैनल से गाना रिलीज हुआ था जिसका नाम है धान की रोपनिया, काफ़ी अच्छा और साफ सुथरा गाना है जो कि सब लोग पसंद कर रहे हैं और 5 मिलियन होने वाला है, सो थैंक यू। दर्शकों को दो अंतरा सुनाइए फिर आगे की सवाल करते हैं। ओके क्या था मैं भूल रही हूँ बट सुनाती हूँ मैं। लागे सरहदे जो खाम ठंडा पनिया से, लागे सरहदे जो खाम ठंडा पनिया से, तो डर लागे पिया धान के रोपनिया से। थैंक यू। इस गाने में आप धान के रोपनी करते हुए देखी गई, क्या वो रियल सीन है या क्या बताइए कुछ दर्शकों को। पोस्ट रियल सीन है और आप लोग को दिखाया जा रहा वीडियो में, मैं पानी में गई थी और धान भी बोई मैं, और मैं बलिया से हूँ तो मुझे पता है कि धान कैसे बोया जाता है, खेत में कैसे जाया जाता है, तो मुझे पता है और ये रियल है। कहीं ऐसा तो नहीं आपका झुकाव अब गांव की तरफ जा रहा है कि धान का रोपनी कर रहे हैं, कुछ दिन में अभी गेहूं काटने जाइएगा। मैं गांव से हूं तो गांव का आपको झुकाव रहेगा, उधर शहर में आ जाने से थोड़ी हो जाएगा, अपना गांव का कल्चर लोग भूल जाएगा, सो झुकाव है ही। सिंगिंग की शुरुआत आपने कब से की और कैसे की, कुछ बताया दर्शकों को। सिंगिंग मेरा कैरियर स्टार्टिंग सिंगिंग से ही हुआ था और मैं 2015 से ही सिंगिंग करती हूँ। जब मैं नई नई आई थी तो मैं एक संजीवनी कंपनी है जो आप सब जानती होंगे, सो वहाँ से मैं स्टार्ट की थी सिंगिंग का और अभी तक मैं गाती, बीच में खैर छोड़ दिया था मैंने, मुझे लगा कि एक्टिंग और डांसिंग थोड़ा सा जमेगा, बट मैंने फिर से स्टार्ट कर लिया सिंगिंग, तो 2015 से ही कर रही हूँ मैं। पावर स्टार के साथ भी आपका गाना जबरदस्त मिलियन गया था, कुछ बताया उसके विषय में। जी जो गाना था हम लोग का मीठा मीठा बथे कमरिया, और वो गाना पिछले के लॉकडाउन में हुआ था शूट और काफ़ी ब्लॉकबस्टर हुआ, और पावर स्टार के साथ एक मेरी फिल्म भी आ रही है जिस फिल्म का नाम है हमार स्वाभिमान। सो आप सब दर्शकों से निवेदन है कि वो जैसे सॉन्ग को प्यार किए वैसे फिल्म को भी प्यार करिएगा। पिछले दिनों आप पवन सिंह की बर्थडे पार्टी में भी दिखी थी। जी हाँ, कुछ बताया दर्शकों को। अब वो तो सारे लोग गए थे आई थिंक बर्थडे में, आप भी, आप जब देखे होंगे मुझे तो शायद आप भी गए होंगे, सारे लोग इनवाइट थे उनके बर्थडे पार्टी में, और आई थिंक सबकी बर्थडे पार्टी में सब लोग जाता है, तो इसमें विशेष क्या है। डिंपल जी उसमें कुछ अलग दिख रही थी इसीलिए पूछा जा रहा है, दर्शकों का आकर्षण आपके तरफ ही था। कुछ अलग नहीं दिख रही थी मैं, एकदम एक कोने में जाके बस खड़ी थी, कुछ अलग नहीं एक्स्ट्रा नहीं कर रही थी मैं, बर्थडे था, हम इंजॉय करने गए थे, विश करने गए थे पवन जी को। भोजपुरी में आपका फेवरेट एक्टर कौन है। फेवरेट एक्टर सारे लोग हैं। कोशिश देखिए कोई लड़की होती है सब लोग कोशिश करते हैं बट पसंद किसी एक को करती है, वैसे मेरे को सब पसंद है, कोई एक नहीं सब पसंद है। अच्छा हीरोइन की बात करें, सबकी फेवरेट हीरोइन कौन है। सब चले जाते थे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। ये घुमा रहे थे, ये हमें फंसा रहे थे बट हम फंसे ही नहीं, और दर्शकों से यही निवेदन है कि मेरी फिल्म आ रही है हमार स्वाभिमान, सो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और मेरे चैनल से गाना रिलीज हुआ था धान की रुपनिया, उसको 5 मिलियन होने जा रहा है, सो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।